हमारे झारखंड में अधिक मात्रा में आपको टार जमीन मिलेगी, लेकिन हमारे किसान भाई बहनों को इसमें खेती कैसे करना है ये जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से ज़मीन ऐसी ही पड़ी रहती है। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। हमारे किसान भाइयों को आज आप ये बतलाइए कि टार जमीन में धान की सीधी खेती कैसे करें। ऊपरी भूमि, मध्यम भूमि और निचली भूमि, जी तीन तरह की भूमि होती हैं, जिसको हम टार वन, टार टू और टार दोन, टार थ्री के रूप में मानते हैं, देखते हैं। तो टार भूमि जो है ऊपरी भूमि है, उसमें हम लोग अपना जो धान की खेती है, इसमें हम लोग आजकल सीधी बुआई होता है, डायरेक्ट सीधे ड्राई, सीधे एकदम मैंने बुआई कर देना है। हम लोग को ज़्यादा उसमें बिचड़ा तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग ये कुछ अच्छे बीज का चुनाव करेंगे, जो कि प्रजाति अपने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी डेवलप किया गया है, रिलीज किया गया है, उसको ध्यान में लेते हुए उससे संपर्क करके हम लोग बीज का पहले अपना एक कलेक्शन कर लें सही टाइम पे, जो कि मानसून आने से पहले हम लोग बीज की तैयारी कर लें, खेत की तैयारी कर लें। तो खेत की तैयारी में जैसा आप बता रहे थे, खेत की तैयारी के लिए हम लोगों को सबसे जो मुख्य बिंदु है कि खेत हम लोग का जो है अम्लीय प्रवृत्ति, अम्लीय प्रवृत्ति होने के चलते क्या है, उसमें उपज कम होता है। और जो ऊपरी भूमि है, तो ऊपरी भूमि का जो अम्लीय प्रवृत्ति का जो नेचर होता है, तो पीएच मान कम होगा, वैज्ञानिक भाषा में अगर कहें तो पीएच मान कम रहता है और वहाँ उर्वरता या उपजाऊपन कम रहता है। वैसे में हम लोगों को उस पर ध्यान रखना है, सबसे पहला कि भूमि की तैयारी प्रॉपर ढंग से हो पाए। प्रॉपर ढंग से होने का मतलब कि भूमि में हम लोग ऐसा क्या चीज़ डालें कि जो मेरी मिट्टी सुधर जाए और ज़्यादा पानी धारण करने की क्षमता रहे, उसमें उर्वरता बढ़ जाए, ये सब चीज़ें पे हम ध्यान देंगे। तो इसमें हम लोगों को चूना और डोलोमाइट मुख्यतः ज़्यादा, हम लोग की जो मिट्टी है झारखंड की, देवघर की, इसमें हम लोगों को डोलोमाइट का उपयोग प्रॉपर रूप से करना चाहिए। डोलोमाइट के लिए 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोगों को, अगर एक जब मानसून स्टार्ट होने से पहले या एक बारिश हो जाता है, तो जब खेत की जुताई कर लेते हैं, तो जुताई करके एक नाली जो बनता है जुताई करने के बाद खेत में, तो उसी नाली में हम लोग डाल करके उसको डोलोमाइट को मिला दें, तो वो क्या होगा कि मिट्टी के साथ मिल करके मिट्टी की प्रवृत्ति को बदल देता है, और जब प्रवृत्ति बदलेगा तो आपकी उर्वरता भी काफ़ी हद तक सुधर जाएगी, और वो उसका असर आपको दिखेगा कि पानी धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, उसमें उर्वरता बढ़ेगा। और इस तरह से जो भी फसल के लिए, जो चूँकि आज का विषय हम लोग धान पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए धान के लिए जो भी पोषक तत्व चाहिए, जो कि कम रहता है उसमें ऊपरी भूमि में, तो वो उसकी भरपाई हो पाता है। और दूसरी बात है कि इसमें फर्टिलाइज़र जो हम लोग डालते हैं वो भी कम रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग को मिट्टी का सही तैयारी करने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए डोलोमाइट का उपयोग करना है। उन्नत किस्म के बीजों का कैसे चयन करेंगे? देखिए, ऊपरी भूमि के लिए मुख्यतः 2-3 प्रजाति हैं, जो कि बिरसा विकास धान 109, 110, 111, तीन तरह का बिरसा विकास धान 109, बिरसा विकास धान 110 और बिरसा विकास धान 111, और एक बिरसा धान 108 हैं, और जो कि वो भी काफ़ी उपजाऊ हैं, और वंदना, ये सब भी अच्छी प्रजाति हैं, और इस सब का हम लोग को बुआई 15 जून से लेकर के 30 जून के आसपास कर लेना चाहिए, अच्छा उपज देगा।